हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में आगरा के दीवानी न्यायालय में तीसरे दिन हड़ताल जारी। इस दौरान कई अधिवक्ता संगठनों ने धरना प्रदर्शन दिया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि हापुड़ घटना में जिम्मेदार पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। तीन दिन से दीवानी में चल रही हड़ताल की वजह से न्यायालय में होने वाला कार्य भी प्रभावित हो रहा। हापुड़ की घटना के विरोध में दीवानी के गेट संख्या 2 पर स्थित जंतर मंतर स्थल पर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, आगरा बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन, ग्रेटर बार एसोसिएशन, एडवोकेट बार एसोसिएशन और द एडवोकेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मुकेश शर्मा, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन आगरा। जैसा कि आगरा के अधिवक्ताओं ने यहां संघर्ष समिति और समस्त अधिवक्ताओं के बैनर तले यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो कि विगत 30 तारीख से यहां चल रहा है लगातार। आगरा के अधिवक्ता हापुड़ की घटना को लेकर बहुत गुस्से में हैं और उसको लेकर के उनके सम्मान को लेकर के जिससे कि इसकी तत्काल हटाई जाए और दोषी को कार्रवाई हो उसको लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन में घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। दीवानी में चल रहे धरने में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सोलंकी ने बताया कि हापुड़ में हुई घटना के विरोध में हम धरना दे रहे हैं। उस घटना में SP और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो लोग घायल हैं उन अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। ग्रेटर बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता भारत सिंह ने बताया कि हापुड़ में पुलिस द्वारा जी बर्बरता से अधिवक्ताओं पर हमले किए गए और मारपीट की गई। इसका विरोध प्रदर्शन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन में तमाम न्यायालय में चल रहा है। जब तक दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी धरना नियंत्रण चलता रहेगा। देखिए, दुर्गुजय सिंह भैया, अध्यक्ष ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन आगरा, कहना यह है कि अधिवक्ताओं के साथ लगातार पिछले काफी वर्षों से लगातार अन्याय होता चला आ रहा है। इसी कैंपस को जहां यह हम लोग ये सभा कर रहे हैं, ये मैं इसे जो है उस आंदोलन के समय का ये वो मैदान मानता हूँ जहाँ पे गोलियां चली थी, डायर में चलाई थी पंजाब में। इसी जगह पर अधिवक्ताओं पर लाठियां पुलिस ने बरसाई थी और बहुत सारे अधिवक्ता घायल हुए। इसी तरह से हापुड़ में हुआ, शाहजहानपुर में वकील को गोली मार दी गई, फरजाबाद में वकील को गोली मार दी गई, तो उसको लेकर के हमारा ये प्रोटेक्शन है इस बात के लिए कि हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन पुलिस कर्मियों को जेल भेजा जाए, उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए जिन लोगों के इशारे पे ही है या आदेश पर वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। हमारा ये आंदोलन निरंतर बार काउंसिल का जिस तरह का निर्णय होगा जारी रहेगा और शासन से ये भी हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं का सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना चाहिए जैसा कि अन्य प्रदेशों में भी है। थैंक यू। क्या कुछ कहना है? जी, करोड़ा सिविल कोर्ट आ रहा है। 29 अगस्त हापुड़ में जो महिला अधिवक्ता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और जो हमारे अधिवक्ता साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में आज हम धरने पे हैं। और ये जो स्ट्राइक है ये जब तक जारी रहेगी जब तक हमारे अधिवक्ता साथियों को न्याय नहीं मिल जाता। पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं को कमजोर ना समझे। अगर अधिवक्ता अपने आप के सम्मान की बात आती है तो वो कलम भी चलाना जानते हैं और लाठी भी चलाना जानते हैं। वो हमारे अधिवक्ता साथियों को हमारी एकता को कमजोर ना समझे। हम पुलिस प्रशासन को दिखा देंगे कि अधिवक्ता जब अपनी एकता दिखाते हैं तो